अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले मार्केट अपडेट से बिल्कुल शॉर्ट, और यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा बुलिश थ्योरीज हैं यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट्स को लेके। अभी बिटकॉइन यहाँ पे क्यों बुलिश है, और मुझे नेक्स्ट मोमेंट बिटकॉइन की क्यों 46,000 डॉलर्स तक होते हुए भी नज़र आ रही है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो क्रिप्टोनियन अकेडमी पाकिस्तान जिस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड हो रही है, अब से यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड नहीं होंगी। अब से हमारी तमाम मार्केट अपडेट्स, न्यू वीडियोज़, हर चीज़ नए चैनल पर अपलोड हुआ करेंगी, और इस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप बिगनर हो, क्रिप्टो के कोर्सेज सीखना चाहते हो, NFT के कोर्सेज सीखना चाहते हो, ब्लॉकचेन के कुछ भी आप सीखना चाहते हो, आप बिल्कुल नई नई चीज़ें इंशाल्लाह सीखते रहेंगे हमारे उस यूट्यूब चैनल के अंदर। ओके, तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा मार्केट अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि बिटकॉइन ने काफ़ी टाइम बाद एक जो हमारा फॉलिंग वेज बन रहा था, ठीक है, अगर हम इस चीज़ को हटा दें वगैरह, जो ये जो येलो लाइन्स आ रही हैं, ये हमारा एक फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा था, ठीक है, जो कि बहुत लंबे टाइम से बनता हुआ आ रहा था, और ये बनता हुआ रहा था 10 नवंबर से पहले। इसके अंदर क्या होता है फॉलिंग वेज की एग्जाम्पल इमेज मैं आपको दिखाऊँ, तो पहले एक अप ट्रेंड चलता है, फिर मार्केट नीचे नीचे कंसोलिडेट करती है, और एग्जैक्टली हमारे पास देखें तो ऐसा ही हुआ। पहले हमारे पास एक अप ट्रेंड आया मार्केट के अंदर, देन फिर हमारे पास मार्केट इसी तरह से कंसोलिडेट हुई, पम्प डाउन पम्प डाउन पम्प डाउन, सही है, एंड देन फाइनली इसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और जब ब्रेकआउट होता है तो आप देखते हैं कि कितना पंप आता है, जितना यहाँ पे हमारे पास अप ट्रेंड का साइज होता है। फर्स्ट, ये हमारे पास बुलिश पैटर्न है, इसके जरिए मार्केट तो बहुत ही ऊपर जा रही है, तो ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि मार्केट $1 लाख पे चली जाएगी, नहीं। उसके लिए थोड़े से पीछे यार थोड़ा दिमाग से भी सोचो कि अगर बिटकॉइन को अगर जाना है ना सी से $1 लाख पे, 80,000 से $1 लाख पे, तो उसके लिए कितना मार्केट कैप चाहिए होगा। जितना मार्केट कैप इस वक्त पूरी क्रिप्टो मार्केट का है, वो सारा अगर मार्केट कैप बिटकॉइन के अंदर आ जाए तो बिटकॉइन पॉसिबल है कि 1,20,000 1,30,000 पे चले जाए। फिलहाल के लिए अनपॉसिबल है, तो फालतू लोगों की बातों में नहीं आओ, ठीक है, मैं बिल्कुल सच बताता हूँ। सेकेंड, यहाँ पे एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा मैंने अच्छी देखी, वो है असेंडिंग ट्राइंगल। देखते हैं यूं यूं जो कि ब्रेकआउट हो चुका है, असेंडिंग ट्राइंगल की इमेज आपके पास ये रही, पहले मार्केट अप ट्रेंड में आती है, देन ब्रेकआउट, इस तरह से ट्राइंगल में कंसोलिडेट करती है, देन ब्रेकआउट। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देन मार्केट आई कंसोलिडेट देन ब्रेकआउट। ये एक तो इसका साइज़ अगर हम देखें तो इसका साइज मार्केट यहाँ पे इतना ही पंप लेती जितना हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक होता है। तो इसके जरिए बिटकॉइन ने बताया था कि यहाँ पे 17% पंप होगा, तो ये यहाँ से तो पंप होने स्टार्ट हो गया, ब्रेकआउट हुआ, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये जो पॉइंट ये आ रहा है हमारे पास 44,500 वाला एरिया, जहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट ये वाली सपोर्ट भी आ रही है, सही है। इस वक्त अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो ये एक कंसोलिडेशन जोन में इस वर्किंग लाइक ए स्टेबल कॉइन, एक स्टेबल कॉइन की तरह चल रहा है, यहाँ पे इसने सपोर्ट बना ली इस जोन को अपनी अच्छी सी। तो ये हमारे दो बुलिश पैटर्न थे, ठीक है। तो इस वक्त एक और बुलिश पैटर्न है और वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरा चार्ट खोल के दिखाऊँ, और यहाँ पे जस्ट हम ओपन करते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम, ओके, और इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन एक हमारे पास बुलिश रेक्टेंगुलर बना रहा है, ओके। ये एक पैटर्न होता है बुलिश रेक्टेंगुलर, भी इस तरीके से वर्क करता है। देखिए पहले मार्केट एक पोल बनाती है, एक अप ट्रेंड चलता हुआ आता है मार्केट के अंदर, तो देखिए यहाँ पे मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड चलता हुआ आया, देन मार्केट कंसोलिडेट करती है, देन मार्केट ने यहाँ पे भी चार्ट के अंदर कंसोलिडेट किया जितना, देन हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक पंप आता है, तो उस पंप को भी अगर हम यहाँ से कंसिडर करते हैं तो वो भी हमारे पास $43,000 तक जो है वो बन जाता है। इसके अलावा इसका एक सिमिलर होता है बियरिश पैटर्न, उसमें मार्केट नीचे गिरती है देन होती है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। यहाँ पे इस वक्त हमारे पास सिनेरियोस जो हैं वो बुलिश ज़्यादा हैं, तो इस वक्त मेरी आपके पास ये प्रेडिक्शन है कि इस वक्त ये होगा कि बिटकॉइन एक $39,000 या इस वाले एरिया को, या तो फिर हमारे पास एक छोटी सी जो सपोर्ट बन गई ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो बलती हुई आ रही है ट्रेंड लाइन टू ट्रेंड लाइन सपोर्ट, देखें ना ये, यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन ले सकते हैं 41,200, या शॉर्ट को लिक्विडेट करने के लिए, सॉरी लॉन्ग्स को लिक्विडेट करने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं, थोड़ी सी डेविएशन हो सकती है इस पॉइंट तक में भी, जो कि हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम भी अगर गिर सकता है तो वो $40,500 तक है, या $39,000 तक लिमिट हो सकती है। देन उसके बाद हमारे पास एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा और उसके अंदर मार्केट को हम शायद $44,500 या फिर हम उसको $46,000 पर भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाऊँ यहाँ से तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन बनता हुआ है, अगर मैं आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम खोल के दिखाऊँ, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है, सॉरी ये रेजिस्टेंस हमारे पास ब्रेक होती है, देन हम फास्टली इसकी तरफ ट्रैवल करते हैं और ये जोन आ जाता है हमारा सीधा $45,000 वाला। सो होप फॉर द बेस्ट। ये थी मार्केट अपडेट्स कुछ, मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, इसके अलावा मैं फ्री सिग्नल्स भी दे रहा हूँ माशाल्लाह। हमने इस वीक में मैंने 5 सिग्नल्स दिए, मेरे एनालिस्ट वगैरह ने, हम सब ने अपने फ्री ग्रुप के अंदर ही, एक ही हमारा ग्रुप है, ठीक है, हमने वहाँ पे सिग्नल्स दिए एंड माशाल्लाह 5 में से 4 हिट हुए, और हमने इस वीक के अंदर 65 से 70% प्रॉफिट अर्न किया। तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पे मार्केट अपडेट्स और कभी कभार को सिग्नल्स में दे देता हूँ जो कि मुझे लगते हैं कि हाँ रेंज में है, तो वहाँ पे मैं दे दिया करूँगा। सो बस अब से इस चैनल पे कुछ नहीं आएगा, सब कुछ नए चैनल पर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।